नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। ये वीडियो मैं थोड़ा सा अलग सा बनाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्कशन ही नहीं होगा जो कैसे आपको क्या मेडिसिन देना चाहिए, वेदर चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। ये वीडियो एक ब्रीडर के ऊपर मैं बना रही हूँ, जो एक सचमुच अगर आप सक्सेसफुली या मान लीजिए मन से एक ब्रीडर बनना चाहते हो, सक्सेस को तो बात ही छोड़िए, मन से एक ब्रीडर बनना चाहते हो। देखिए मेरे बातों का गौर कीजिए, मैं अच्छा जानता हूँ ये वीडियो हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ जितना भी लोग देखेंगे वही लोग देखेंगे जो सचमुच एक मन से ब्रीडर बनना चाहते हैं। और एक होता है मन से ब्रीडर बनना, और एक होता है आज के डेट में जो सक्सेसफुली जिसका नाम नेम फ्रेम है, बच्चा सेल करते हैं, मतलब एक सेल्फ फीडिंग बेबी को कोई भी वार्ड्स हो सकता है, सेल कर सकते हैं, अर्न करते, ये सारी चीज़ सक्सेस किसको कहा जाता है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए आज के डेट में इस फील्ड में, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि मैं जो कुछ भी आगे जाके इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए, अगर सच्चे मन से इस वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको भी कोई नहीं रोक सकते हैं एक मन से ब्रीडर बनने का। एक होता है, देखिए ब्रीडर आज के डेट में हर कोई बनना चाहते हैं, तरीका चाहे कोई भी हो, तरीका चाहे एडल्ट वर्ड लेकर हो, तरीका चाहे मेडिसिन के माध्यम से हो, तरीका चाहे सही ऑर्गेनिक तरीका हो, जो ऑर्गेनिक का मतलब अब सही एक सेल्फ फीडिंग बेबी से शुरू करते हुए आगे बढ़ रहे हो, सही खाना, सही माहौल, सही वातावरण, सब कुछ सही सही जा रहे हैं, तो आप जब उसका एज आ रहा है, एक प्रॉपर ब्रीडिंग केयर, एक जो प्रॉपर जो ब्रीडिंग केयर होना चाहिए वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। जैसे लोग मान लीजिए एक ट्रेंडिंग है या भाग रहे हैं ब्रीडर बनने के लिए, लेकिन हम लोग सक्सेस को तो हर कोई छूना चाहते हैं, फेल्योर को कोई नहीं छूना चाहते। हालांकि कोई भी इंसान को देख लीजिए जो इसको हम लोग मानते हैं जानते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना, मैं बहुत सारे फेल्योर्स देखा ज़िंदगी में, आज भी देख रही हूँ, आने वाले दिन में भी देखूँगा, और हर एक फेल्योर से हम लोगों को सीखना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। जो इस परिस्थिति ने, मैंने जो मान लीजिए कुछ गलती किया, कुछ परिस्थिति आपका सही रहा, आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिया जो बाद में आपको लग रहा है जो आपका डिसीजन गलत था, तो उसी डिसीजन से आपको सीखना चाहिए। जो हमको कोई भी परिस्थिति हो, एक प्रॉपर डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। तो हर फेल्योर जो ज़िंदगी में आते रहते हैं ना, उससे हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे हम लोग दूर भागते हैं, उससे हम लोग मानते हैं जो मेरे से कुछ नहीं होगा, या मैं ब्रीडर नहीं बन पाऊँगा, इतने सारे बेबीज़ का मौत हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन अगर सचमुच मन से ब्रीडर बनना चाहते हो, या एक सचमुच प्रतिष्ठित ब्रीडर, जिसको हम वो ब्रीडर के बात नहीं बोल रहे हैं जो जिसका सेटअप से बार्ड्स लॉग मतलब दौड़ के जाके खरीदते हैं भाव चाहे कुछ भी हो, मैं उस ब्रीडर के बारे में बात कर रही हूँ जो एक अच्छा माहौल या अच्छा क्रिया जानते हैं, ब्रीडिंग को मन से जानते हैं। तो इसीलिए आप उस फेलियर को सीखना मतलब अपनाइए। कोई भी जीवन में, कोई भी दिशा में, ज़िंदगी में, कोई भी परिस्थिति में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको फेलियर को उस रास्ते में आना ही आना है। अगर जो रास्ते आप चुन चुके हो, उस रास्ता और आपका मंजिल डेस्टिनेशन अगर आप ऐसे ही पहुंच जाते हो, तो मानिए कि आपका सक्सेस नहीं है, कुछ होने वाला है आने वाले दिन में। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जहाँ पे हूँ और आप जहाँ पे हो, वहाँ तक जाने के लिए, चलो मान लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल सेट करते हैं। आप सोच रहे हो मनी वन, जो आज के मेरे को ले लीजिए, बहुत लोग आज हमको जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं, फ़ायदा मिल रहा है, तभी तो सुबह से लेकर रात तक आप लोग कॉल करते हो या व्हाट्सएप करते हो। तो ये जहाँ से मैंने शुरुआत किया था मेरे ज़िंदगी में को, मतलब ज़िंदगी में जो ये पहले ये थॉट आया था जो मैं वीडियोस बनाऊंगा इस विषय के ऊपर, लोग जानेंगे, लोग आज के डेट में सुनते हैं मेरे को, और सिर्फ इंडिया से नहीं, बहुत सारे स्थानों से, मतलब कंट्री से ये चैनल को फॉलो किया जाता है, इंडिया से ही हो या इंडिया के बाहर से हो। तो आप अगर मन से सोच रहे हो जो शांतनुदा जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे मैं पहुँचूँगा, तो आपको कुछ फेलियर्स का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, जो मैंने किया, आज भी कर रही हूँ, आने वाले दिन में भी करूँगा। क्योंकि फेलियर के साथ सक्सेस के साथ आपका भले ही रिश्ता ना हो,
फेल्योर के साथ रिश्ता जोड़िए, क्योंकि हर फेल्योर, हर जो हम लोग जो गिरते हैं, उस गिरने के बाद हम लोग सीखना चाहिए, जो ये गलती मैंने किया, इसी के कारण ये हुआ। तो इसीलिए मन से ब्रीडर बनना चाहते हो तो आप जो आपका कमी हो रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्या बात है, देखिए मैंने शुरुआत में बोला था, जो एक दौड़ चल रहा है, हम लोग हर कोई ब्रीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे तरीका चाहे कुछ भी हो। जब तक तरीका आपका सही मन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, ये ब्रीडिंग को ही ले लीजिए, अब एक अच्छा ब्रीडर बनना चाहते हो, क्योंकि कैसे आपके घर में कोई भी बच्चा का मौत ना हो, या मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बर्ड्स, उसका एक जैसे ब्रीडिंग सीजन में होता है, बहुत सारे हंडी या मटकी बॉक्स लगा चुके हो, लेकिन हर दिन देख रहे हो दो दो चार चार पाँच पाँच दस दस एक बेबी चिक्स एक्सपायर कर रहे हैं, तो आप दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर मान लेता हूँ कोई भी बच्चा, मतलब मान लीजिए 100 में से एक बच्चा मर गया या दो बच्चा मर गया, इसको कभी आप फेल्योर नहीं बोल सकते हो, तो ये आम बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आधा बच्चा का डेथ हो गया, या ये फेल्योर है, आपका सक्सेस नहीं है, तो अगर मन से चाहते हो इस स्थान को हासिल करने के लिए, तो आपको फेल्योर से सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में प्रॉब्लम यही है, हम लोग एक दूसरे को देखते हुए फील्ड सिलेक्ट करते हैं, जो इस फील्ड में पैसा, पहले ही सोच पैसा में आ जाता है, जो मैं अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो एक साल में अगर एडल्ट बर्ड लेके शुरू करूँ, तो एक साल में हमको 20,000-30,000 रुपया ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन ये सोच ही आपका गलत है। जिस फील्ड में आप सक्सेस होना, आप किसी को भी देख लीजिए आज के जिसमें, जिसको हम लोग आइडल मानते हैं, या जिसका उदाहरण देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, टीवी पे छा चुके हैं, या बच्चा बच्चा लोग जानते हैं उसका नाम, उसका देखिए, उसका पैसन, उसका प्रोफेशन सेम है, हर काम को बारीक से किया, इतना फेल्योर का सामना किया, इतना फेल्योर अपनाया, तभी जाके उसको सक्सेस मिला, तभी जाके लोग उसको पहचानते हैं, नहीं तो नहीं पहचानते। इसका मतलब यही है, किसी को देखते हुए नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। जैसे देखिए प्राइस गिरा मार्केट का, बहुत लोग भाग रहे हैं इस फील्ड से, क्यों, उसको ये आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इससे यही निकल के सामने आते ही, वो लोग इसीलिए आया था कुछ पैसा रोजगार करने के लिए। पैसा देखिए आज के डेट में पैसा रोजगार करने का बहुत सारे दिशा है इस फील्ड की, क्यों, क्योंकि लोग, हम लोगों का एक साइकोलॉजी है, जो जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट पे, या मान लीजिए जहाँ से हम लोग मान लीजिए भीड़ ज़्यादा है, उसी में टॉपिक के ऊपर या उसी फील्ड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके डबल या ट्रिपल रिटर्न करने की हम लोग, क्योंकि आज के डेट में माहौल थोड़ा सा बदल चुका है। कैसे माहौल, अब बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आ चुका है जो आप ओवर ब्रीडिंग करवा सकते हो, एक फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हो, एक काउंटिंग को बढ़ा सकते हो, और फॉस्टरिंग तो है ही, क्योंकि मदर पेयर चले 10 रहे, फॉस्टरिंग पेयर आपके पास 20-30 होना चाहिए, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ये कोई ऑर्गेनिक तरीका नहीं है, इसीलिए आज के डेट में देखिए मार्केट आज जितना हो सके खाली हो, तो एक कंपटीशन जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन वही लोग टिके रहेंगे, जैसे कोरोना के टाइम पर वही लोग टिके रहे जो नियम का उल्लंघन नहीं किया, जो इसका इम्यूनिटी पावर स्टेबल रहा, बाकी हर लोग चल बसे वैसे ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को हुआ लेकिन ठीक हो गया, वैसे ही इस फील्ड में वही लोग टिके रहेंगे जो बार्ड्स के साथ मन का रिश्ता है। इसीलिए मैंने बोला मन से ब्रीडर बनने की कोशिश करो। अब जो करते हो सारा दिन देगी, मतलब सारा दिन में वो अगर मन से पहले विजुलाइज करते हो ना, तो आपको एक सही दिशा मिलता है, उसी से आप, हम लोग एक्शन बोला जाता है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आज के डेट में, या पिछले बहुत सारे ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे फेल्योर्स को मतलब फेस किया, देखा सामने से, एकदम करीब से देखा, ऐसे लगता था उस टाइम पे जैसे मैं और खड़ा नहीं हो पाऊँगा, लेकिन खड़ा तो हूँ अब लोगों के सामने। क्योंकि फेलियर्स का दिन, कोई भी दिन, कोई भी दिन, चाहे अच्छा दिन हो वो भी नहीं रुकते हैं, चाहे बुरे दिन हो वो भी नहीं रुकते हैं। इसीलिए हर फेलियर से सीखिए, क्या गलती आप कर रहे हो गलती से ढूंढिए, क्या गलती आपसे हो रहा है, क्या गलत चीज़ आप कर रहे हो अपने सेटअप पे, अपने बार्ड्स के ऊपर, ये जो मेडिसिन वगैरह देते हुए, ये सारे चीज़ को करते हुए। क्योंकि लोग हमको पूछते रहते हैं दादा कौन सा, मेरे बार्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से बैठे, तो बहुत दिन से बैठे हैं तो क्या हो गया, थोड़ा सा और बैठने दीजिए, थोड़ा सा आप स्टडीज़ कीजिए उसमें, जो क्यों बैठे हुए हैं, समझने की सोचने की किसी का पास टाइम नहीं है, मेडिसिन दे दीजिए, बात ख़त्म।
तो ऑर्गेनिक तरीके से अगर जो लोग आगे बढ़ रहे हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अगर मन से ब्रीडर बन जाओ तो आपको उस सक्सेस को हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। यही मेरा आज का टॉपिक है। वीडियो को अगर अच्छा लगे, जो अगर बातों को सही लगे, तो एक कमेंट्स, एक शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ, जिससे चाहे आपकी खुद के ज़िंदगी में हो या अपने बार्स के फील्ड में हो, आपका उन्नति हो, ना कि डाउन टू मतलब डाउन हो। हमेशा मैं अप में सोचता हूँ। जैसे मैंने बोला, ज़िंदगी का एक पार्टी है फेल्योर, फेल्योर होना सीखिए, तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो, नहीं तो सक्सेस दो दिन के लिए आएगा फिर निकल जाएगा। तो इसीलिए आज इस वीडियो में यहाँ तक, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के लिए। नमस्कार।